हेलो एवरीवन, अभी हम साथ खड़े हैं हमारे राज्य के खेल मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला के साथ। युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, युवाओं के लिए हमारा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मैडम हमारी, हर वो स्कीम लेके आ रही है जो डायरेक्ट हमारे युवा को जोड़ता है। युवा का किस तरह स्पॉन्सर्स किया जा सकता है, युवाओं के लिए स्कॉलरशिप से लेके हर चीज़ की सुविधाएं हैं। और अगर आप खुद युवा हैं और अगर आप खुद फॉलो करेंगी कि जो सारा भारतवर्ष में जो काम नहीं हो रहा है वो काम पश्चिम बंगाल में हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री मैडम के तरफ से। और हमको लगता है कहीं ना कहीं जो अंधकार वेस्ट बंगाल में था 2011 के पहले, वो अंधकार चला गया है और बहुत अच्छी तरीके से उन्नयन हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह युवा आज निकल रहे हैं, इसके पहले कभी देखा नहीं गया। तो हम आशा करेंगे कि युवाओं पूरा हमारे सरकार का जो स्कीम है उसका पूरा लाभ उठाए और अपने फ्यूचर पे ध्यान दें। आपके आगे की क्या योजना है? देखिए, हमारी योजना का तो नहीं, लेकिन जो हमारी दल की नेत्री मुख्यमंत्री, उनका योजना जो है, आप खेल से लेके कल्चरल से लेके जितने फील्ड हैं, म्यूजिक से लेके फिल्म जगत से लेके पढ़ाई लिखाई से लेके जितने फील्ड हैं जहाँ से युवा आगे निकल सकते हैं, वो हर फील्ड के छोटे छोटे जगह पे हमारा सरकार काम कर रहा है और बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। और एंड ऑफ डे हमको लगता है कि हम सब उसके अंदर आते हैं कि किस तरह हम ये मैसेज फॉरवर्ड कर सके। जिस तरह हम लोग फेसबुक या व्हाट्सएप में आजकल बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, रहना भी चाहिए, लेकिन हमको स्टिल फील होता है कि अगर आप अपना ज़्यादा समय फेसबुक और व्हाट्सएप में अगर एज ए यंगस्टर आप लोग बिताते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप करियर में आप पीछे जाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत धारणा है, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, रादर देन कि सारा दिन में क्या एक्टिविटीज़। और हमको पर्सनली ऐसा लगता है कि आज जितने जन भी अच्छे अच्छे हर फील्ड में आप देखिए, झूलन गोस्वामी से लेके विराट कोहली, और भी जितने युवाएं अलग अलग, साइना नेहवाल से लेके सांधू से लेके जितने जन हमारे भारतवर्ष में अच्छा करी हैं, ये कहीं ना कहीं इनके पास सिर्फ खुद के लिए समय है, खुद का परफॉर्मेंस के लिए समय, हम किस तरह आगे निकल सके उसका समय है। तो अगर आज ये लोग सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया करते तो आज शायद इस जगह पर वो लोग नहीं पहुँच पाते। तो यही आप लोग के माध्यम से, यही जितने हमारे भारतवर्ष के युवा हैं, जितने हमारे पश्चिम बंगाल के युवा हैं, उन सबको यही निवेदन है वृंदम्बता के साथ कि आप लोग सिर्फ अपने करियर पे फोकस करें और अपना करियर बनाएं। अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास की क्या पहल है? देखिए, विकास तो चल ही रहा है, हम कोशिश करें कि जितना मैदान है वो मैदान को डेवलप किया जा सके। मैदान डेवलप हो रहा है, मिनी इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं, मिनी ऑडिटोरियम बना रहे हैं, तो ऐसा बहुत सारा काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में लोगों को दिखेगा। और अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं स्कूल में, सीसीटीवी कैमरा लगाने से लेके रास्ता, लाइट्स, जितने लोगों का जितना ज़रूरत है वो सब काम चल रहे हैं। बंगाल में खेल प्रमोशन को लेकर क्या व्यूज है? देखिए, हमारे दफ्तर युवा कल्याण और क्रीड़ा दफ्तर हर उस खेल को प्रमोट कर रहा है जो समाज को जोड़ सके, जो समाज को आगे लेके जा सके। ओलंपिक स्पोर्ट्स से लेके क्रिकेट से लेके फुटबॉल से लेके हर स्पोर्ट्स पे हम लोग फोकस है। और हम लोग डिस्ट्रिक्ट में हमारा टीम गया है, डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स किस तरह जो बंद हो गया था स्कूल स्पोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट में खेल कूद का वो फिर से चालू हो गया है, तो इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। तो इसी प्रयास में हम सब लगे हुए हैं।